ऑलरेडी जी, नेक्स्ट जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑलरेडी दो हम देख चुके हैं, एक रैंडम सिलेक्शन था और उसके बाद प्रोपोर्शनल सिलेक्शन था। द थर्ड वन इज़ रैंक बेस्ड सिलेक्शन। तो रैंक बेस्ड सिलेक्शन का पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। रैंक बेस्ड सिलेक्शन यूजेज द रैंक ऑर्डरिंग ऑफ द फिटनेस वैल्यूज टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट द फिटनेस वैल्यूज देमसेल्व्स। अब रैंक बेस्ड सिलेक्शन में ये होता है कि हम फिटनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम फिटनेस को हम सॉर्ट कर देते हैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हाईएस्ट जो है वो टॉप पे आ जाती है और उसके बाद जो लोअर है उसी सीक्वेंस से ड्रॉप डाउन आते जाते हैं। सो रैंक नेम से ही पता चल रहा है कि रैंकिंग इसकी हमने सेट करनी है हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ। दिस मीन्स दैट द सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल फिटनेस वैल्यू। जो सबसे फर्स्ट उसका हाईएस्ट रैंक होगा वो पहले उसको चूज़ कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक को। रैंकिंग देयरफॉर हैज़ द एडवांटेज दैट अ हाईली फिट इंडिविजुअल will not dominate in the selection process as a function of the magnitude of its fitness. अच्छा, अब प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में क्या होता था कि बार बार प्रॉबिलिटी हम सेट कर देते थे, तो हो सकता था कि जिसकी फिटनेस ज़्यादा हो बार बार रोलर फील्ड पे उसी को मौका मिले कि बार बार वही पेरेंट बने। तो इसमें रैंक बेस्ड सिलेक्शन में ये चीज़ यहाँ पे टैकल की गई है कि किस तरह से हम क्या करते हैं कि ऑर्डर सेट कर देते हैं और हर एक रैंक एक एक रैंक असाइन कर देते हैं, चाहे उसकी फिटनेस हाईएस्ट है और लोएस्ट है। बस ये कि हाईएस्ट वाले को रैंक वन दे देंगे और इसी तरह से हम ड्रॉप डाउन जाते जाएंगे, लेकिन ये कि हर एक को इक्वल चांस मिलेगा कि वो पेरेंट बन सके हर क्रोमोसोम को। किस तरह से ये वर्क करता है, द पॉपुलेशन इज़ सॉर्टेड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फिटनेस। यानी सबसे पहले तो पॉपुलेशन को सॉर्ट किया बेस्ट से वर्स्ट की तरफ। ईच क्रोमोसोम इज़ देन असाइंड अ न्यू फिटनेस बेस्ड ऑन अ लीनियर रैंकिंग फंक्शन। लीनियर रैंकिंग फंक्शन है जिसकी बेसिस पे हम हर एक क्रोमोसोम को एक न्यू फिटनेस असाइन करेंगे। और ये लीनियर रैंकिंग किस तरह से फिटनेस न्यू फिटनेस असाइन करेंगे, वो न्यू फिटनेस का फॉर्मूला है जी, पी यहाँ पे पॉपुलेशन है माइनस आर फिटनेस रैंक, कौन सा रैंक है उसका, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये जो भी है उसमें से ये माइनस करके टोटल पॉपुलेशन में से रैंक माइनस करके प्लस वन हम कर देंगे। वेयर पी इज़ पॉपुलेशन साइज, आर इज़ फिटनेस रैंक ऑफ द क्रोमोसोम। अगर आपकी पॉपुलेशन टोटल 11 इंस्टांसिस हैं डेटा सेट के अंदर, तो देन अ क्रोमोसोम ऑफ रैंक वन विल हैव अ न्यू फिटनेस ऑफ, अब 11 है तो 11 माइनस आर अगर उसका रैंक 1 है तो 11 में से माइनस 1 हम करेंगे तो 10, प्लस 1 करके तो वो अगेन 11 ही हो जाएगा। एंड क्रोमोसोम ऑफ रैंक 6 विल हैव न्यू फिटनेस ऑफ 6। इसको हम देखेंगे रिटन प्रैक्टिस में भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट इसका ले लें, उसके बाद हम रिटन प्रैक्टिस की तरफ इसके जाते हैं। सो वंस द न्यू फिटनेस इज असाइंड, पेरेंट्स आर सिलेक्टेड बाय द सेम रोलर फील्ड प्रोसीजर यूज्ड इन द प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। लेकिन क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट फिटनेस वाले की बहुत ज़्यादा होने की बजाय उसका क्या है कि रैंक सिलेक्ट है और हर एक अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेक्शन उसकी होगी। एडवांटेज, सिलेक्टिव प्रेशर वंस डिटरमाइंड बाय द यूज़र रिमेंस कांस्टेंट। यानी कि सिलेक्टिव प्रेशर एक दफ़ा आपने असाइन कर दिया तो वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि वो वही रहेगा जो शुरू पर यूज़र स्टार्टिंग में एल्गोरिथम के असाइन कर देता है वैल्यू। डिसएडवांटेज क्या है, पॉपुलेशन मस्ट बी सॉर्टेड, यानी कि सबसे पहले आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा ओवरहेड होगा। सेकेंड क्या है, टू क्रोमोसोम्स विद द सेम फिटनेस विल नॉट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। क्योंकि रैंक सेलेक्ट हो गया होगा, अगर एक की फिटनेस 10 है दूसरे की भी 10 है तो क्या है कि एक फर्स्ट वन हो सकता है कि रैंक 1 पे आ जाए और सेकेंड रैंक 2 पे आ जाए, ऑल्दो कि उनकी फिटनेस सेम है लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो एज अ पेरेंट सिलेक्ट हों वो डिफर कर सकती है। सो है इतने मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है, एटलीस्ट जो डोमिनेंस थी वो यहाँ पर टैकल हो रही है, एक किसी एक क्रोमोसोम्स की जिसकी फिटनेस ज़्यादा थी उसकी डोमिनेंस ख़त्म हो रही है, हर एक को रैंक मिल रहा है और अपने अपने रैंक के हिसाब से वो सिलेक्ट हो रहे हैं। सो अनदर वे ऑफ लीनियर रैंक सिलेक्शन जो है, एक तरीका तो ये है कि फार्मूला जो न्यू फिटनेस का है पी माइनस आर प्लस वन वो यूज़ कर लें। सेकंड इसका तरीका ये है रैंक का कि सबसे पहले तो इनको सॉर्ट कर लें इनकी फिटनेस के हवाले से लोअर टू हाईएस्ट टू लोअर्स रैंकिंग के हिसाब से, और उसके बाद जो फर्स्ट वन है उसको आप प्रोबेबिलिटी पी असाइन कर दें, यानी कि फर्स्ट जो है रैंडम प्रोबेबिलिटी 0.66 दे सकते हैं, उसके बाद जो सेकंड रैंक वाला होगा उसको उसकी फिटनेस जो है या उसकी जो प्रोबेबिलिटी आप उसको असाइन कर सकते हैं वो पी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी। ये फार्मूला मैं आपको रिटर्न में करवा दूँगी, यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। तो वो ये कि इनको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मल्टीप्लाई करके तो ड्रॉप डाउन जाते जाएँ और इनकी प्रोबेबिलिटी रैंडमली असाइन करते जाएँ। द फर्स्ट क्रोमोसोम फेल्स टू गेट सिलेक्टेड देन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द कंपटीशन एंड द सेकेंड रैंकिंग क्रोमोसोम गेट्स अ चांस ऑफ सिलेक्शन विद अ प्रोबेबिलिटी पी अमंग द रिमेनिंग क्रोमोसोम्स। इसको एग्जांपल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 5 क्रोमोसोम्स हैं यानी कि पॉपुलेशन 5 है, फिटनेस हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन है। प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में क्या था,
अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शन सिलेक्शन में तो हम टोटल सब निकालते थे और हर एक को उससे डिवाइड करते थे। लीनियर रैंक में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उनको सॉर्ट करें उनकी फिटनेस के हवाले से, हाईएस्ट टू लोएस्ट, और उसके बाद उनको या तो पी माइनस आर प्लस वन के हिसाब से उसका लीनियर रैंक असाइन कर दें। अदरवाइज़ क्या तरीका था कि फर्स्ट वन को 0.66 असाइन कर दें सेकेंड वन यानी कि पी, और सेकेंड वन को किस तरह से करेंगे कि पी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एम, तो ये 0.22 आ जाएगा। और अगर थर्ड पे जाए तो पी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एम इंटू वन माइनस एम, और ये हर स्टेप पे इंक्रीज़ करता जाएगा। ये रिटर्न में आपको फार्मूला में लिख देती हूँ और वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो बता देती हूँ। सो प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में आप उसका सिंपली डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं। लीनियर रैंक में ये होता है कि फिटनेस को सबसे पहले तो सॉर्ट करें हाईएस्ट टू लोएस्ट, और उसके बाद फार्मूला एक तरीका है लीनियर रैंक असाइन करने का ये है कि पी माइनस आर प्लस वन के अकॉर्डिंग उसको न्यू फिटनेस असाइन करते जाए। और सेकेंड क्या है तो फर्स्ट वन को पी, सेकेंड को पी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एम वन माइनस पी, एंड देन थर्ड को पी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस पी इंटू वन माइनस पी, एंड फोर को फिर हम इसी तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी असाइन करते जाएंगे। अगर फर्स्ट वन सिलेक्ट नहीं होता तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, थर्ड की, फोर्थ की, इस तरह से ये वर्कआउट करता जाएगा। सो डाइवर्सिटी है इफ क्रोमोसोम इज क्लोज टू द बेस्ट क्रोमोसोम एंड हैज़ अ हायर स्कोर देन अ क्रोमोसोम दैट इज़ फार अवे डाइवर्स बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर स्कोर देन द फार अवे क्रोमोसोम विल बी वाइप्ड आउट। अच्छा इसमें होता ये है कि जैसे लाइक यहाँ पे सर्चिंग एक एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, तो अगर जो क्रोमोसोम है एक हाईएस्ट फिटनेस वाला है वो करंट सॉल्यूशन के साथ है तो हो सकता है उसको चांस ना मिले कि वो सिलेक्ट हो एज अ पेरेंट, लेकिन अगर कोई दूर है डाइवर्स्ड है तो उसका जो है वो चांस ज़्यादा है कि वो फ्यूचर में पेरेंट बन सकता है और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्मिटी इवन इन लार्ज पॉपुलेशंस। डाइवर्सिटी ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम द ऑलरेडी सिलेक्टेड क्रोमोसोम्स कैन बी कैलकुलेट। अच्छा डाइवर्सिटी को हम किस तरह से, कितना डाइवर्स है आपका क्रोमोसोम या कितनी डाइवर्स है आपका एल्गोरिथम, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, जिस तरह से एक लीडिंग डिस्टेंस का फार्मूला था। टेक द डिस्टेंस ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम अ सिलेक्टेड क्रोमोसोम, एक आपने सिलेक्ट क्रोमोसोम की या करंट क्रोमोसोम और एक सिलेक्टेड दूर थोड़ा डाइवर्स है, स्क्वेयर द डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर ले, यानी कि करंट अगर आपका पी है क्रोमोसोम और जो दूर फार अवे है उसके डाइवर्सिटी अगर आपने चेक करना है कि कितना वो डाइवर्स्ड है, कितना अच्छा सोल्यूशन वो दे सकता है, उसको अगर हम क्यू कर लें तो पी में से माइनस करें क्यू का डिस्टेंस और उसके बाद उसको स्क्वेयर कर ले ताकि अगर नेगेटिव डिस्टेंस आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद सम ऑल स्क्वेयर डिस्टेंस, अगर एक से ज़्यादा डाइवर्सिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो पी के साथ सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको पी के साथ क्यू का अगर करना है, क्यू आर एस टी यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स का, उसका पी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस आर पी माइनस एस पी माइनस टी सबके साथ डिस्टेंस निकाल के स्क्वेयर लेकर उनको सम कर लें। ये इसी तरह से जिस तरह से यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला वर्क करता है। उसके बाद देखें कि द लार्जर द सम द मोर डाइवर्स इज़ द क्रोमोसोम, अगर ये सम जो है वो जितना ज़्यादा आता जाएगा इट मीन्स कि डाइवर्सिटी क्रोमोसोम्स की उतनी ज़्यादा है, उतने ही डिफरेंट क्रोमोसोम हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स को अगर हम आपस में इनका क्रॉस ओवर करते हैं तो वो उतने ही डाइवर्स सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि उतने ही डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन आएंगे। सो वन वे टू इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इज़ टू रैंक द क्रोमोसोम्स बाय द सम ऑफ फिटनेस रैंक एंड डाइवर्सिटी रैंक के अकॉर्डिंग उनको हम डाइवर्स करके उनको फिटनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, हैंस डाइवर्सिटी और बीइंग डिफरेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अ क्रोमोसोम व्हिच इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज अनदर क्रोमोसोम बट इज़ फार अवे फ्रॉम द ऑलरेडी सिलेक्टेड क्रोमोसोम हैज़ अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी की जिसकी फिटनेस हाई है और वो एक अच्छे क्रोमोसोम के जितने पास है तो वो एक अच्छा वो भी ज़्यादा उसके चांस होंगे कि वो सिलेक्ट हो, बल्कि इसकी बजाय जितना डाइवर्स्ड होगा हो सकता है कि वो उतना ही कोई डिफरेंट सोल्यूशन लेके आए और उसके चांस जो है सर्वाइवल का वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जनरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी तक के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाकी इसको मैं बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर मैं आपको फर्दर करवा देती हूँ कि किस तरह से लीनियर रैंक या डाइवर्सिटी किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लीनियर रैंक सिलेक्शन एल्गोरिथम में हमें सबसे पहले क्या करना है कि सॉर्ट करना है क्रोमोसोम्स को उनकी फिटनेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसकी सबसे हाईएस्ट फिटनेस है उसको हम सबसे टॉप पे उसको रैंक करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम नीचे आते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हम देख लेते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट फिटनेस है वो जी की है। सो जी को यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ, सबसे पहले इसको टॉप रैंक कर देती हूँ जी विद फिटनेस 250। सो जी के बाद सेकंड देख लेते हैं कि हाईएस्ट फिटनेस किसकी आ जाती है, 140 है यहाँ पे
सो 140 आई की है, सेकंड नंबर पे उसको हम रैंक करेंगे आई को विद द फिटनेस ऑफ 140। नेक्स्ट उसके बाद 110 है, 125, तो 125 रैंक हो जाएगा एफ क्रोमोसोम 125। नेक्स्ट 110 है, 110 के अलावा और ठीक है, नेक्स्ट वन 110 एज के साथ, सो एज क्रोमोसोम की फिटनेस 110, उसके बाद वो रैंक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिटनेस अगर हम चेक करें 110 के बाद सबसे हाईएस्ट 100 है, सो 100 के साथ डी भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, तो हम इसको रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डी पहले आ रहा है तो डी की हम 100 यहाँ पे कर देंगे, इसी तरह से जे है तो जे की 100। ठीक है जी, उसके बाद बाकी अगर हम देखें तो 75 हाईएस्ट आ रही है ई की, ई को हम रैंक करेंगे जे के बाद विद द फिटनेस ऑफ 75। राइट, नेक्स्ट ए आ जाता है, ए की फिटनेस 50, देन बी एंड सी, बी एंड सी। तो जब हमने इसके स्लाइड्स देखी तो उसमें तो एक चीज़ थी कि जो डिसएडवांटेजेस का ये है कि सेम फिटनेस वाले उनकी प्रोबेबिलिटी या चांस जो है वो डिफरेंट होगा। सो वंस यू हैव सॉर्टेड द क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस, उसके बाद हम लीनियर रैंक उनको साइन करेंगे। तो लीनियर रैंक असाइन करने के दो हमने फार्मूलाज देखे थे, एक फार्मूला यह था पी माइनस आर प्लस वन, यानी कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 10 माइनस आर, यानी करंट रैंक, अगर जी का रैंक देखें तो वो है दैट इज़ 1, सो 10 माइनस 1 प्लस 1, तो अगेन 10 माइनस 1 9 प्लस 1 10, तो इसका रैंक जो है वो अकॉर्डिंग टू है, अगर मेथड 1 के अकॉर्डिंग देखें, मेथड 1 फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रैंक 10 आ जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी, अगर एक और मेथड था जिसमें हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते थे, यानी कि फर्स्ट वन को पी असाइन कर दें 0.66, ठीक है, और सेकंड को 0.22, ये इसका फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट को तो आपने असाइन कर दिया 0.66, उसके बाद सेकंड को आपने क्या करना है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पी, यानी कि पी अगर आपका 0.66 है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.66, तो ये आ जाएगा 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 0.22। तो सेकंड जो आपका रैंक्ड क्रोमोसोम होगा उसको आप यहाँ पर रैंक कर देंगे 0.22, और इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे फॉर द थर्ड वन के लिए। थर्ड के लिए अगर हम देखें तो थर्ड के लिए क्या फार्मूला होगा, पी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, यानी कि 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.66, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे आप नेक्स्ट असाइन कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम फोर्थ के लिए निकालना चाहें तो फोर्थ के लिए फार्मूला क्या होगा, पी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, 1 माइनस पी एंड 1 माइनस पी, यानी कि हर एक रैंक के लिए ये एक्सटेंड करता जाएगा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद वैल्यूज असाइन करके यहाँ पर असाइन कर सकते हैं फॉर द लीनियर रैंक। सो दैट्स ऑल इन द लीनियर रैंक सिलेक्शन एल्गोरिदम। उसके बाद डाइवर्सिटी का एक फार्मूला रह गया था, तो डाइवर्सिटी का फार्मूला मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देती हूँ। डाइवर्सिटी ऑलरेडी दो कि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ उसका फार्मूला। सो डाइवर्सिटी का फार्मूला था डिस्टेंस ऑफ करंट क्रोमोसोम विद द अदर क्रोमोसोम, उसके बाद जितने भी थे क्रोमोसोम अगर आ जाते हैं उनका हम स्केल लेके सम कर सकते हैं उसको। तो इसी तरह से कि अगर आपका सपोज करंट क्रोमोसोम जो है वो पी है फर्स्ट वन, तो उसके बाद अगर आप क्यू के साथ उसको आप डिस्टेंस निकाल लें उसका स्केयर ले लें, बाकी पी का आप आर के साथ निकाल लें डिस्टेंस किसी और क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमोसोम के साथ, थर्ड क्रोमोसोम के साथ उसका निकाल लें, फोर्थ के साथ निकाल लें, यानी जितने भी क्रोमोसोम हैं अदर देन पी उनके सबके साथ उसका डिस्टेंस निकाल लें, स्केयर ले लें और उसके बाद उनको सम कर लें, तो जो आपके पास डिस्टेंस वैल्यू आएगी वो आपकी डाइवर्सिटी को मेंशन करेगी। अगर हायर द डिस्टेंस हायर वैल्यू,
आएगी तो इट मीन्स के वो एल्गोरिदम डाइवर्स ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो इट मीन्स के वो लेस डाइवर्स्ड है। तो डाइवर्सिटी का सिंपल यही फार्मूला था। स्लाइड्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप यहाँ से इसको देख के चेक कर सकते हैं।